जेके न्यूज टुडे में सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त मैं हूँ संजय नगर में और आप देख सकते हैं परसों मूसलाधार बारिश होने की वजह से यहाँ सड़क के बीचों बीच एक पेड़ जो है गिरा पड़ा हुआ है। किसी ने भी इसको यहाँ पर आके उठाने की कोशिश नहीं की और उस पेड़ के गिरने की वजह से काफ़ी नुकसान भी हुआ है। तारें यहाँ पर टूट चुकी हैं, लोगों की जो बिजली है वो भी गुल हो गई। प्रशासन ने अभी तक इस बारे में कोई भी कदम नहीं उठाया है। पेड़ सड़क के बीचों बीच है जिसके कारण एक्सीडेंट होने का डर लगातार बना हुआ है। यहाँ के शॉपकीपर्स भी जो हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी जो है परेशान है इस पेड़ को देखकर। मैम, ये परसों गिरा है और इट वॉज कवरिंग इंटायर रोड। वहाँ से बहुत मुश्किल से लोग निकल रहे थे। अब लोग रुकते नहीं है ना, वो तो चलते ही रहते हैं। तो अभी पहले तो काफ़ी पत्ते वत्ते भी थे इसके ऊपर, तो दिख रहा था। अभी ये रोड पर पेड़ दिखता ही नहीं है। कोई बेचारा स्कूटी वाला आएगा या कोई बच्चे अभी स्कूल में छुट्टी होगी तो इसके साथ टकराएंगे ज़रूर, और वो क्या नुकसान करेगा। और नुकसान करने के बाद जो घायल आदमी का इंटरव्यू सुन के तुम लोग ये क्लियर करोगे, इसको पहले ही कर देते। पूरी वायरिंग टूट रखी हुई है, यहाँ पे पूरा रोड जाम हो जाता है। अभी थोड़ी देर में देखो यहाँ पे, अभी स्कूल बसेस कल चल रही थी तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक था यहाँ पे, निकलना मुश्किल था। यहाँ पे ट्रैफिक तो सब रोड पे होता है, बट ये देखो कॉर्नर जो निकले हुए पेड़ के, ये कॉर्नर से अगर किसी स्कूटी है तो ये बच्चा जा रहा है स्कूटी पे, अगर इसको लग जाए तो कौन रिस्पॉन्सिबल है। मतलब पीपल, इतना कॉमन रोड है कि यहाँ से लोग देखे बिना ही निकल जाते हैं। अब ये अचानक से कोई चीज़ ऑब्स्टिकल होएगा इसके अंदर तो लोगों को बहुत दिक्कत होगी, कहीं ना कहीं कोई इंजर्ड हो जाएगा। आपने इसकी कंप्लेंट की? मैम, ये कल परसों कल कोई जेसीबी आई हुई थी, आधा पेड़ इन्होंने हटाया है, ये डेंजरस पार्ट यहाँ छोड़ के गए। मैम, कंप्लेंट तो पूरा मोहल्ला कर रहा है पर ये एक्शन नहीं है इसके ऊपर। इस पेड़ गिरने की वजह से कोई घायल हुआ या किसी को लगी? मैम, सुना है, क्योंकि मेरी शॉप उस दिन रेगुलरली 10 बजे खुल जाती है, मैं उस दिन आया था 11:30 बजे। तो ये तो शुक्र है कि मैं लेट आया हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ कस्टमर्स की गाड़ियाँ या कस्टमर्स रहते हैं, कोई घायल हो जाता। अभी किसी ने बताया कि कोई लड़की स्कूटी पर जा रही थी और उसके ऊपर कहीं गिरा है, उसको हेड इंजरी हुई है। तो आई एम नॉट श्योर कि कहाँ अब उसका हाल कैसा है कैसा नहीं, वो तो मोहल्ले वाले बता सकते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि ये देखो, अभी कह रहे हैं कि ये मॉडर्न सिटी बन रहा है जहाँ अच्छा सिटी बन रहा है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। ये कम से कम भी आज 3-4 दिन हो चले हैं कि इसको दरख्त को नीचे गिरे हुए, एक भी म्यूनसिपल्टी वाले ने आके नहीं देखा, जबकि सुबह रोज़ कमेटी वालों की ड्यूटी बनती है कि सुबह झाड़ू लगाते हैं, सफाई करवाते हैं, कोई नहीं आया इधर, किसी का ध्यान नहीं है इधर। और एक बेचारी लड़की जा रही थी इधर, वो नीचे आ गई और ये हमारे भाई साहब हैं, ये उनको उधर छोड़ के आए हॉस्पिटल में। और प्रशासन को चाहिए कि कम से कम आके देखे तो सही, कितने दिन से जन के ये दरख्त नीचे गिरा हुआ है। ये देखो, इधर देखो कितना जाम लगा हुआ है, दुनिया भर का जाम लगा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई मांगने वाला नहीं है, किसी को सुरत ही नहीं है कि हाँ जी कोई इधर आके कोई अपना देखे, कोई अपना जो उसका फर्ज बनता है कम से कम वो आके देखे कि हाँ जी दरख्त को तो कम से कम साइड पे तो उठा के साइड पे तो कर सकते हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, देखो जी आ रहे हैं कोई जा रहे हैं स्कूल के बच्चे, इस टाइम आज छुट्टी का टाइम है, काफ़ी यहाँ पे जाम लग जाता है और जाम की वजह से काफ़ी लोग जो है लेट हो रहे हैं, समय से नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इसका मसला हल किया जाए। मैं ये चाहता हूँ कि रात को कोई हादसा नहीं हो जाए इस पेड़ से, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको जल्दी से हटाया जाए, क्योंकि रात को कोई भी आ जाए किसी को पता थोड़ा है कि पेड़ गिरा नीचे, इसलिए चाहते हैं कि इसको थोड़ा हटाया जाए। मैडम, ये स्मार्ट सिटी कह रहे हैं, मुझे तो लगता नहीं कहीं से स्मार्ट सिटी बन रहा है, उल्टा गंदगी ज़्यादा फैल रही है। ये स्मार्ट सिटी के कोई लक्षण मुझे नज़र नहीं आ रहे कि स्मार्ट सिटी बन रहा है। देखो लोकल को तो पता है कि वो तो निकल जाते हैं, गिरा हुआ साइड से निकल गए, गली में निकल गए, कोई बाहर से कोई तेज आ रहा है, कोई नहीं पता लगा, एक्सीडेंट हो सकता, हादसा हो सकता है, इससे यही है कि जल्दी जल्दी इसका मसला किया जाए। वो यहाँ से निकल रहे थे तो जगदम ही पेड़ उनके ऊपर गिर गया, और मैं और ये भैया है, एक वो एसके हार्डवेयर दुकान है उनके भैया ने, हम तीनों जने उनको लेके गए थे हॉस्पिटल, फिर उनके दो भाई आए, फिर हम आ गए थे वापस। फिर पता नहीं, लगी तो उनको काफ़ी थी, अब पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। गिर गया हुआ, कोई प्रशासन कोई लोग नहीं आए पूछने के लिए। ऐसे तो बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि सफाई अभियान, स्मार्ट सिटी, तो देखो 3 दिन से ये पेड़ गिरा हुआ है और इतने ट्रैफिक जाम है, और ये प्रशासन इस चीज़ का इंतजार कर रहा है कोई हादसा हो तभी हम अपने सहानुभूति लेकर फिर इसको पेड़ को सर्वे किया जाए। तो मेरे यही अपील है अपने कमिश्नर साहब से और हमारे जो बड़े बड़े अधिकारी से, यही अपील है कि ये पेड़ को जल्द से जल्द
हटाया जाए और लोगों की जो परेशानी आ रही है, ट्रैफिक की परेशानी आ रही है, वो ना हो। तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो व्यापारी हैं संजय नगर के, उनका यही डिमांड है कि इस पेड़ को, जो घटना का एक कारण बनता चला जा रहा है, जैसे कि इन्होंने बताया कि हमें जिस दिन ये पेड़ गिरा था उस दिन एक छोटी बच्ची के साथ हादसा हुआ, उसे हॉस्पिटल लेके जाया गया, लेकिन अब उसकी क्या कंडीशन है इसके बारे में नहीं जानते। लेकिन कहीं ना कहीं ये पेड़ और इसकी नुकीले जो चोंच है, इससे हादसा होने का खतरा है। जो जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता, उनके लिए ये हादसे का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। तो आप देख सकते हैं कि ये पेड़ जो है इस समय संजय नगर की सबसे बड़ी समस्या का कारण है, जिसके कारण ना सिर्फ ट्रैफिक वालों को समस्या हो रही है, ना सिर्फ व्यापारियों को समस्या हो रही है, बल्कि जो बच्चे स्कूल आते जाते हैं उनको भी ये उनके लिए भी एक बड़ा खतरा बना हुआ है। बिजली की समस्या भी इसमें थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइव दृश्यों में कि बिजली की तारें भी जो हैं वो टूटी हुई हैं। लेकिन अभी तक 3 दिन हो चुके हैं इस हादसे को हुए हैं, अभी तक यहाँ पर कोई भी नहीं आया इस पेड़ को उठाने के लिए। ये पेड़ काफ़ी आगे तक गिरा हुआ था, लेकिन लोगों की मदद से अब ये पेड़ आधा रह चुका है, लेकिन इस आधे पेड़ ने भी काफ़ी मुसीबत बना रखी है संजय नगर के लोगों के लिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK News Today के साथ। कैमरामैन अजीत शर्मा के साथ मैं नीतू सिंह, JK News Today, जम्मू।